गुड आफ्टरनून आर यू स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर सेकेंड सेम। टुडे माय लेक्चर टॉपिक ऑन ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। द ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज अ डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज डिजीज इन केस ऑफ मैंगो। दे आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन also involve sulfur dioxide and carbon dioxide, but major gases involve as a boron and the sulfur dioxide. They are increased by brick links. जैसा कि आपको पता है कि आज का लेक्चर टॉपिक मैंगो के अंतर्गत ब्लैक टिप ऑफ मैंगो के ऊपर है और ब्लैक टिप ऑफ मैंगो एक डिसऑर्डर है जो गैसियस डिसऑर्डर ग्रुप में न्यूट्रिएंट प्लस गैस दोनों के डेफिशिएंसी की वजह से यह डिसऑर्डर मैंगो फ्रूट में राइपेंड स्टेज में देखने को मिलता है। यह सामान्य रूप से नॉर्दर्न वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में पाया जाता है और ऐसे जगह पाया जाता है जहां पे मैंगो का ऑर्चर्ड नियर अबाउट 8 से 14 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर पाया जाता है। वहां पे ये डिसऑर्डर पाया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं आज के लेक्चर टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पस से, इसके साथ साथ एकेडमिक एग्जामिनेशन के पर्पस से। तो लेट मी स्टार्ट माय लेक्चर टॉपिक ऑन ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। द ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ boron and sulfur dioxide, also involve carbon dioxide. Next, economic importance means आर्थिक महत्व। The black tip of mango also known as necrosis of mango. They are generally occurs in UP, Bihar and West Bengal. But they are not appears in southern part of India. They are generally prevalent around the brick lanes where a bricks age operate at on year of mango. They are generally show black tip necrosis near the tip of mango at ripened stage or mature fruiting stage. Next, the loss of assessment up to recorded near about 90% is annually at on year in fruiting stage. Next point, सिम्टम्स। जैसा कि मैं आपको बताया इसका आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो को हम नेक्रोसिस ऑफ मैंगो के नाम से भी जानते हैं। नेक्रोसिस ऑफ मैंगो इसलिए कहा जाता है कि जो मैंगो फ्रूट है इसके टिप पर नेक्रोसिस अपीयरेंस शो होता है। नेक्रोसिस मींस होता है डेड ऑफ सेल और टिश्यूज, इज कॉल्ड नेक्रोसिस। जब कोई भी सेल्स किसी होस्ट का सेल्स या टिश्यूज डेड कर जाता है आफ्टर डेफिशिएंसी या आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो डेड किया हुआ सेल्स को हम नेक्रोसिस कहते हैं और वो पूरे नेक्रोटिक एरिया को हम लीजन कहते हैं। ग्रोथ लाइन एरिया ऑफ द सिम्टम्स इज कॉल्ड लीजन बट द डेडिंग ऑफ सेल्स इज कॉल्ड नेक्रोसिस। तो इस
टाइप ऑफ मैंगो को हम नेक्रोसिस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। लेकिन साउथर्न इंडिया की बात करें तो साउथर्न इंडिया में ये डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलता। अब वार्षिक नुकसान की बात किया जाए तो नियर अबाउट ऑफ फ्लोटिंग स्टेज में 90% इनका इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से इसका मैक्सिमम नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स। सिम्टम मींस लक्षण। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लाइक इन प्लांट्स फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर इन 6 to 8 वीक ओल्ड फ्रूट और एट रैपिड स्टेज। नेक्स्ट, द सिम्टम्स शो एज ए नेक्रोसिस ऑन टिप ऑफ फ्रूट। द टिप बिकम ब्लैक, टिप एंड ऑफ फ्लैट। मेजर सिम्टम की बात किया जाए तो जैसा कि मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बीच में आपको सिम्टम प्रेजेंट किया, अब सिम्टम में जब प्लांट में फ्रूट लग जाते हैं और फ्रूट जब 6 से 8 सप्ताह ओल्ड पुराना हो जाते हैं, मींस मैच्योर स्टेज पहुंच जाते हैं, और मैच्योर स्टेज के साथ साथ स्पेशली रैपिड स्टेज में पहुंचते हैं, तब सबसे पहला सिम्टम्स ब्लैक टिप नेक्रोसिस के रूप में दिखाई देता है, जो पॉट के निचली सतह पे टिप पर एज ए पॉइंटेड अपीयरेंस, ब्लैक पॉइंट अपीयरेंस के रूप में दिखाई देता है, जैसा कि मैंने डायग्राम बना करके आपके बीच में प्रेजेंट किया। ये फ्रूट है, फ्रूट के नीचे ये ब्लैक टिप अपीयरेंस को भी दिखाई देता है। अब जहां पे टिप लगता है तो टिप इन्फेक्शियस टिप पार्ट फ्लैट हो जाता है और इसमें ब्लैक कलर का या येलो कलर का लिक्विड फ्लूइड होता है, मींस लिक्विड रिलीज होने लगता है, और इसके अंदर का जो एरिस मीन्स पल्प होता है वो पल्प सॉफ्ट हो जाता है। ये इसका मेजर सिम्टम्स है। और चूंकि नेक्रोसिस का कांसेप्ट मैंने बताया कि नेक्रोसिस जो टिप होता है वो नेक्रोसिस के रूप में दिखाई देता है, मीन्स डेडिंग ऑफ सेल, सेल डेड कर जाता है, और टिप धब्बा रूप में दिखाई देता है और इसमें लिक्विड सिक्रेशन होता है। तो ये इसके मेजर सिम्टम्स है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मेजर पॉइंट मैनेजमेंट या कंट्रोल मेजर्स। मैनेजमेंट की बात करें तो एक मैनुअली मैनेजमेंट है जिसको कल्चरल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम मैनेज करते हैं, तो उसमें कल्चरल प्रैक्टिस की बात किया जाए तो हम आर्चर्ड का सिलेक्शन ऐसे जगह करें जहां पे 8 से लेके 14 किलोमीटर के अगल बगल कोई ब्रिक लिंक्स नहीं होना चाहिए। ब्रिक लिंक्स जब नहीं होगा, क्योंकि मेन जो रिसोर्स है इस डिफिशियंसी का वो ईंट का भट्टा है, तो ईंट के भट्टा नियर अबाउट 8 से 14 किलोमीटर के एरिया में नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह हम आर्चर्ड के रूप में सिलेक्शन करें। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कल्चरल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कि अगर नियर अबाउट वहां पे कोई ब्रिक लिंक्स कोई बना रहा है, स्टेबल कर रहा है, तो उसकी हाइट जो है वो हाइट 15 से 18 मीटर या उससे एबव रखना चाहिए। अगर इत्तफाक से अगर है तो उसकी हाइट जो भट्टे की काफी ऊंचा कर देना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो मेजर हो गया इसका कल्चरल रोकथाम, लेकिन केमिकली अगर फ्रूट पे अगर लग जाता है तो हम केमिकली इसका प्रिवेंशन या कंट्रोल कैसे करेंगे, तो केमिकल कंट्रोल के अंतर्गत पॉइंट नंबर फर्स्ट है स्प्रे ऑफ बोरेक्स एट द रेट ऑफ 3 to 4 kg प्रति 500 लीटर ऑफ वाटर। हम बोरेक्स का स्प्रे करते हैं, 3 से 4 kg बोरेक्स लेकर के 500 लीटर पानी में हम उसका घोल बनाते हैं और उस घोल को हम स्प्रे करते हैं उस आर्चर्ड में। और जब हम स्प्रे करते हैं तो पहला और दूसरा स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं, इसके बाद तीसरा स्प्रे हम जो करेंगे बोरेक्स का वो फ्रूटिंग स्टेज में करते हैं।
तो ये इसका मेजर मेजर कंट्रोल मेजर्स के मेथड्स मैंने आपके बीच प्रेजेंट किया, लेकिन कोशिश यही होना चाहिए कि जो इसके मेन रिसोर्स है डिफिशियंसी को, उस रिसोर्स को हम ख्याल में रखते हुए अपने आर चार्ट का सिलेक्शन करें। यही सबसे फर्स्ट एंड लास्ट बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स है जो ब्लैक टिक को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आज का लेक्चर ब्लैक टिक ऑफ मैंगो पे मैंने आपके बीच में प्रेजेंट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म के साथ साथ इसके सिम्टम जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉमन रूप से पूछा जाता है, तो एकेडमिक स्टूडेंट के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस लाइव वीडियो क्लास को अच्छे से वॉच करें। वॉच करने के बाद जो भी पॉइंट आउट है उसको नोट करें, ताकि एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट होंगे उसका आप सोल्यूशन कर सकें। तो लेट मी कंप्लीट माय लेक्चर टॉपिक ऑन ब्लैक टिक ऑफ मैंगो। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।